हे गाइस, वेलकम बैक टू संजू स्टाइल ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो DIY वीडियो है और वो है ग्लास की बोतल के साथ। तो आज हम इस बोतल का DIY करेंगे, इसको सजाएंगे और घर के लिए जो हम डेकोरेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले जो मैंने आपको कलर्स दिखाए हैं वो कलर ले लिया है। ये मेरे यहाँ पे पहले के रखे हुए थे घर पे, वही मैं कलर ले रही हूँ। तो ये वाला कलर मेरा फेवरेट है, गोल्डन कलर, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है इसकी। तो इसको मैं पहले ब्रश से कर रही हूँ, बट मेरा ब्रश जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसलिए फिर वो ब्रश ख़राब था, इसलिए मैं कॉटन की हेल्प से जो है इस पर जो ये पेंट है वो करूँगी बोतल पे अच्छे से। तो ये वाला एक अच्छा हैक है, आप जब भी पेंटिंग करो तो ऐसे कॉटन का यूज़ कर सकते हो और अच्छे से आपकी पेंटिंग हो जाएगी। और मेरे वाला वो ब्रश था वो ख़राब था, पहले का ही रखा हुआ था, वो सूख गया था, तो इतना ख़राब सा हो गया था तो अच्छे से हो नहीं पा रहा था बोतल पे, इसलिए मैं यहाँ पे कॉटन से कर रही हूँ। आप लोगों के पास भी अगर ब्रश नहीं है तो आप कॉटन यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा पेंट होगा। पूरी बोतल मैंने पेंट कर ली है कॉटन की हेल्प से, तो देखिए आप कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और बहुत ही अच्छी लग रही है। मुझे तो ये प्लेन भी बहुत अच्छी लग रही है गोल्डन कलर की। तो मुझे एक बार लगा कि मैं इसको प्लेन ही रखूँगी, क्योंकि मुझे ये प्लेन बहुत अच्छी लग रही थी, एक ग्लास की बोतल, एक मेटल की बोतल जैसी लग रही है। और फिर जो दूसरा कलर रखा हुआ था ये चॉकलेट कलर, तो इनका कॉम्बिनेशन अच्छा हो रहा था, तो इस पर मैंने कुछ डिज़ाइन बनाने का सोचा। तो यहाँ पर मैं हार्ट शेप बना रही हूँ, हार्ट्स बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ऐसे बना रही हूँ सब पूरी बोतल पे, नीचे के साइड में। जो भी आपको डिज़ाइन आपके दिमाग में आता है, जो आपको इजी लगता है वैसे आप बना सकते हैं। और वैसे तो ये पेंट जो है वो सारा काम पूरा कर देता है, आप देख सकते हो प्लेन बोतल भी कितनी अच्छी लग रही है। तो इस पर डिज़ाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर थोड़ा सा आप डिज़ाइन बना दोगे तो और अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैं बस वही छोटा सा डिज़ाइन बना रही हूँ थोड़ा। अगर आपको डिज़ाइन ऐसे अगर नहीं बनता है आपसे परफेक्ट, ऐसे हार्ट नहीं बनते हैं, तो आप एक पेपर का ऐसे हार्ट कट कर लेना आपको शेप, और फिर बोतल पे रखना है और पेंसिल से ऐसे आउटलाइन कर देनी है, जिससे कि आपको एक हार्ट शेप मिल जाएगी और फिर आप उसको फिल कर देना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला हैक भी ट्राई कर सकते हो जब भी आप कोई पेंटिंग करते हो, कुछ करते हो, तो कोई भी अपने पसंद की ऐसे शेप को कट करना और बस बोतल पे ऐसे कर देना, जिससे कि शेप मिल जाएगी और बस आप उसमें पेंट कर देना। तो यहाँ पे मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़े बड़े साइज़ के हार्ट जो है वो कट किए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी बड़ी साइज़ के हार्ट बन जाएंगे, तो थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन बनेगा। तो यहाँ पे बस वही मैं हार्ट को ऐसे फिल कर दूँगी। आप चाहो तो अलग अलग कलर के भी हार्ट्स बना सकते हो, और मैं यहाँ पे बस ये चॉकलेट कलर का हार्ट है वही बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कलर ये तीन है, सिल्वर, गोल्डन और ये चॉकलेट कलर। तो इन्हीं को यूज़ करके मैं जो है अपने DIYs करती हूँ यहाँ पे। और क्योंकि एक्रेलिक पेंट नहीं है मेरे पास यहाँ पे, और ये ऑयल पेंट होते हैं, तो इनसे थोड़ा सा पेंटिंग करना थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाते हैं। और एक्रेलिक पेंट जो होते हैं वो अच्छे से स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे आप बंच हार्ट डिज़ाइन बना सकते हो। तो एक मैंने ये स्मॉल स्मॉल हार्ट बना लिए, फिर ऊपर थोड़े से बड़े साइज़ किए, और ऊपर मैं बड़े साइज़ किए डॉट डॉट बना दूँगी। और ऐसे जो भी मेरे दिमाग में आता जाता है डिज़ाइन, जो मुझे लगता है कि ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगेगा इस पर, तो वो मैं वैसे बनाती जाती हूँ। तो यहाँ पे ये डॉट डॉट लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है बोतल। उसके ऊपर से एक लाइन ये छोटे छोटे हार्ट बना दूंगी और उसके बना दूंगी। और फिर बारी आती है ईयरबड की, तो आपका काम और भी इजी हो जाएगा। जिसको भी नहीं आती है बिल्कुल भी, ब्रश पकड़ना ही नहीं आता, पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं आती, तो बस ईयरबड लो और ऐसे डॉट डॉट बना दो, तो ये वाला डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगेगा। तो पूरी लाइन में ही मैं ऊपर से डॉट डॉट बना दूंगी,
तो ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। और यहाँ पे बस मैंने एक लाइन नीचे बनाई है, एक ये ऊपर बना दूंगी। तो ज़्यादा मैं ये चॉकलेट कलर इस बॉटल पे नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये गोल्डन कलर की ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं गोल्डन कलर को दबाना नहीं चाहती हूँ यहाँ पे। चाहती हूँ कि गोल्डन कलर यहाँ पे खिल के आए, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्डन कलर दिखाई दे तो अच्छा लगेगा। इसलिए मैंने इस पर बहुत ही कम जो है डिज़ाइन दूसरा कलर जो है वो यूज़ किया है। तो यहाँ पे अगर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकल गया था तो उसको दूसरे ईयरबड से मैंने साफ़ कर दिया है और इजीली साफ़ हो जाता है क्योंकि ये ऑयल पेंट है। और यहाँ हमारी बोतल बनके रेडी है, मुझे बस यही डिज़ाइन रखना है। आप चाहो तो कुछ और भी बना सकते हो। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। तो अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि बोतल कितनी अच्छी लग रही है। शाइनिंग आप देख सकते हो कितनी अच्छी शाइन है इसकी। और डिज़ाइन जो बनाया है बहुत ही हल्का सा, थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है बट वो भी खिल के आया है। और इस पर मैंने ये फ्लावर्स लगा दिए हैं। तो ये है मेरा आज का DIY वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिना लाइक किए हुए मत जाना। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।